बार कादिर आज़ाद मैं शमीम पपुंजी एक बार फिर फलाना अमली मुशायरे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज भी हमारे साथ एक नंबर का शायर मौजूद। सबसे पहले मेरा ताज़ा गरम कलाम। गरम गरम स्वर किया है उफ़ो आए है आए है वाह ओहो ओहो पेपर निकाल लिया आपने उफ़ो आए है ओहो ओहो। ये शेर अभी शुरू नहीं हुआ अभी कर रहा हूँ। स्वर किया है के बाबा जी जरा आहिस्ता आहिस्ता धीरे चलो नहीं बाबा जी जरा आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक पुलिस ने मुझे बोला दैट्स व्हाट शी सेड। अरे 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 पॉप कल्चर रेफरेंस दे दिया ऑफिशियल हो गया पॉप कल्चर रेफरेंस मतलब ये थोड़ा तेज है। अर्थ क्या है कि पैसों के बगैर सवारी। अरे पैसों के बगैर सवारी खुद का रिक्शा होगा। नहीं नहीं सुनो यार कब कभी के पैसों के बगैर सवारी वो बोला जब बटुआ मैंने खोला। मैंने बटुआ खोल के दिखाते हैं पैसों के बगैर सवारी वो बोला जब बटुआ मैंने खोला। दैट्स व्हाट शी सेड। अरे गोल्ड डिगर रिक्शा वाला ने भाई अब अर्ज किया कि पुलिस वाला बोला कब रुकना है कब जाना है। पुलिस वाला बोला कब रुकना है कब जाना है आपको तो पता ही नहीं। बिल्कुल नहीं पता भाई। ये सुनकर गिरी दिल पे बिजली भड़का शोला। अरे भाई अरे 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 भाई भाई ही वाज जस्ट डूइंग हिज जॉब ब्रो। या दैट्स राइट। आज दिन रात मेरे इस मारकतुल आरा शेर के बाद दावत कलाम दूंगा शहर के एक एवरेज शहर को तनावे तहजीब जरियून वाले। वाह अर्ज किया है उधार मोहब्बत की केंची है। केंची बहुत है केंची बहुत अच्छा है बहुत अच्छा केंची काट दिया ना ही लो तो अच्छा है। नहीं लेने मैंने कभी ली भी नहीं बहुत बुरा लगता है। उधार मोहब्बत की केंची है ना ही लो तो अच्छा है। वाह जो लेके भी वापस कर दे वाह वो दिमाग से थोड़ा कच्चा है। अरे कारोबारी से कारोबारी बोल्टन मार्केट वाला शेयर जो लेकर भी वापस कर दे वो दिमाग से थोड़ा कच्चा है। ये क्या लिखा है यार यहाँ पे कुछ नहीं लिखा बस तो खामोश रहे। जो लेकर भी वापस कर दे वो दिमाग से थोड़ा कच्चा है। शेर के आखिर में दाद और उधार दोनों लूंगा मैं। डिमांड नहीं है डिमांड नहीं है बहुत डिमांड है। शेर के आखिर में दाद और उधार दोनों लूंगा मैं। दाद और उधार दाद और उधार जो ना दे निहायत ही अखीर और पागल का बच्चा है। वाह 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 इनको दोनों चाहिए। ये थे जनाब तहजीब जरियून वाला आपसे दोबारा मुलाकात होगी सालाना अमली मुजाहरे में मेरी शमीम फफूंदी की तरफ से आधा और से और जोर से ये बात ये चाह रहे बस हमारे वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपको ये भी लगता है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए। कादिर आज़ाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक बेहतरीन अदाकार हैं मुल्क के सबसे बड़े ड्रामों में काम कर चुके हैं और अपनी अदाकारी की वजह से मशहूर हैं। जिसके साथ भी पेयर होते हैं ऐसा लगता है सालों की केमिस्ट्री है। मॉडलिंग कर चुके हैं आरजेइंग कर चुके हैं एक्टिंग तो करते ही हैं। तो आज जो बुलाने जा रहा हूँ गेस्ट टैलेंटेड है शदीद पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ फन वही ये आपकी इंस्ट्रक्शंस तो नहीं थी। नहीं मेरी नहीं आप ये देखें कि एक भी सीटी लेडीज सीटी नहीं थी। इसका क्या मतलब मतलब कि सिर्फ लड़कों ने सीटियां बजा के आपको खुशामदीद क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है ना सीटियों में जाना सीटियों में इसी तो जाने बस सीटियों में। अब ऐसा है अफगान भाई ऐसा है कि शो का ट्रेडिशन है कि आते ही गेस्ट जो है वो ऑडियंस को एक शेर सुनाता है फिर बैठते हैं। हमने जाना तो हमने ये जाना वाह जो नहीं है वो खूबसूरत है। वाह हमने जाना तो ये नहीं जाना हमने जाना तो हमने ये जाना जो नहीं जो नहीं है वो खूबसूरत है। वाह वेरी नाइस अफगान भाई वेलकम टू अस्का मनाए बैठे हमने जाना तो ये जाना क्या था आपके बस करोग में मेरे बस ये भी अच्छा मिसरा है हमने जाना तो ये जाना आपके बस करोग में। अफगान भाई वेलकम टू अस्का मनाए। थैंक यू सो मच भाई इंतहाई हैंडसम खूबसूरत ड्रेसिंग प्यारे बाल
सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा, बात करें तो इंसान पिघल जाए, हैं? ये तो बातें हो गई मेरी। मैं ये कहने लगा था ये तो आप अपनी क्वालिटी बता रहे। बहरहाल आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप मिलता जुलता हूँ इन क्वालिटी से जो आपने अपनी बताई है। जी जी जी, करीब करीब। सारी बात, थोड़ी मेहनत करेंगे मुझ तक भी पहुंच ही जाएंगे। इतना लंबा नहीं हो सकता मैं। अच्छा स्टूडेंट कैसे थे? मतलब अच्छे स्टूडेंट मैं अच्छा था। चीटिंग वीटिंग में कोई एक्सपीरियंस था? नहीं, चीटिंग करवा सकता था लेकिन की नहीं थी क्योंकि मुझे सब कुछ आता था। अच्छा पढ़े लिखे स्टूडेंट थे? पढ़ा लिखा था। वेरी नाइस। तो मतलब चीटिंग वीटिंग, उसके बाद मैं एक्टर बन गया, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं चीटिंग कि उस जिंदगी के जिंदगी से कितना ताल्लुक रह गया होगा। कुछ भी नहीं रहा होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। चीटिंग में थोड़ी और बात करेंगे क्योंकि नौजवान नस्ल बैठी है, इनको ये सबक मिलना चाहिए कैसे करनी है। ये जो होते हैं हमारे, मैं भी बहुत पुराने जमाने का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो हमारे जमाने में मोबाइल वोबाइल की चीटिंग तो होती नहीं थी, फर्रे बनाते थे हम। अच्छा। तो आपने, मैं नहीं बनाता था, मैं एक बार सिंधी का पेपर था, सिंधी का, सिंधी होती थी, सिंध बोर्ड से मैंने किया, तो सिंधी उसमें नज़में आती हैं, तो वो नज़में पूरी याद नहीं हो पाती थी, 8-10 नज़में ना, तो एक मुश्किल नज़म थी, हारी प्यारा जवा सिंगारा मुल्क मट्टी जा जय जयारा, मुझे थोड़ी सी याद है आज भी, उसका मैं फर्रा बना के ले गया। अच्छा मुझे फर्रा बनाना नहीं आता था, तो वो पूरा बड़ा कागज़ बन गया, इतना बड़ा फर्रा। अब जब मैंने वो शाही फरमान की तरह फर्रा एग्जाम में खोला ना यूं करके, इतना बड़ा फर्रा निकला हुआ, अब टीचर सर पे खड़े हुए, मगर उनको यकीन नहीं आ रहा है कि ये फर्रा है, उन्हें लगे कि वो पेपर है, उन्हें इतना बड़ा ये तो फर्रा नहीं हो सकता, तो वो बचत हो गई। अब अगर यही मेहनत पढ़ने पे कर लेते, क्यों कर लेते? यहाँ भी तो कर रहे हैं ना, इतनी हमारा दोस्त अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, फरहान 90 क्लास होती है ना जब एग्जाम हो रहे हैं, तो एक बच्चा बीमार था तो एग्जाम में आ नहीं रहा था, उसकी सीट खाली थी, तो वो अपने पास फर्रे नहीं रखते थे, वो जाके उस खाली सीट पर सब लिख दिया, चिपका दिया, कर लेते थे। अब एग्जाम शुरू होता था ना, तो वो बातें शुरू कर देते थे, अबे आ दिखा, ये दिखा, टीचर बोलता था उठो उठो वहाँ जाके बैठो। वहाँ सारा सेटअप उनका लगा हुआ था। देखिए ये भी तो जीनियस है ना बंदा। ऐसे ऐसा है कि अफान भाई आपसे वापस बातचीत शुरू करेंगे, इनमें पहुँचते हैं, पहले इनसे सवाल जवाब लेकर आते हैं, फिर हम दोबारा एक दूसरे के मुंह लगेंगे। पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, सवाल पूछेंगे। जी मैं आपका एक तो सबसे बड़ा फैन हूँ सबसे पहले। थैंक यू। और मैं कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे होस्ट हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, और इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे कर लेते हैं वासे चौधरी? मैं समझ गया। लड़के ने स्टाइल ताबिश हाशमी का कॉपी किया, मगर जो वासे चौधरी का मारा। वेरी वेरी नाइस यार, अच्छे आदमी है वो वासे चौधरी, अच्छा करते हैं, मैं हर्ट नहीं हुआ। हाँ कुछ और है? और बेइज्जती करना चाहते हैं आप? कीजिए। मेरा क्वेश्चन अफान भाई से है। बीच में ये स्कैंडल रिलीज हुआ था कि आपकी और दुरे फिशां की शादी हो गई है। अफवाह। जी अफवाह। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बेटा अफवाह दिखा रहे हैं हम लोग, इस बात में कितनी सदाकत है? और ताबिश भाई से मैं पूछूंगा कि आप अपने स्कैंडल्स को कैसे छुपाते हैं? मैं अपने स्कैंडल पहले आप बताएं। मैं क्यों बताऊं, पहले आपसे पूछे। यार ये एक फोटोशूट था, एक ब्रांड के लिए हमने किया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ड्रामा हिट हो गया था तो बस वो ब्रांड्स ने वो कहा कि आप लोग भी फोटो शूट करवा लें। वो ब्राइडल शूट्स होते हैं तो लोगों को लगता है वो शादी होगी, और यूट्यूब पे तो माशाल्लाह आपकी कई बार शादी हो चुकी है यूट्यूब पर, कई दफा ड्रामों में भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे तो बहुत शादी हुई है, बहुत शादी हुई है। अच्छा कोई ऐसी शादी की अफवाह जो आपको दिल चाह रहा हो यार ये इतनी गलत भी नहीं लग रही? हजार ऐसा होता है ना यार, ये अफवाह क्यों है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह वाह। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है? मुबशिर जाट। मुबशिर क्या करते? मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते? जी जी। वेरी गुड। सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल ताबिश भाई आपसे बिल्कुल भी नहीं है, फान भाई से है। मैं एक नस्ल बर्बाद कर रहा हूँ मैं। अफान भाई आप ड्रामे में तो बड़े दिल फेंक हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? लेकिन मैं जवाब आपको देना पसंद नहीं करूंगा, मैं ताबिश को जवाब। वाह बहुत आला। हाँ कह रहा है थोड़ा बहुत तो इंसान होता ही है, हल्का फुल्का दिल फेंक देते हैं, छिड़क देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ होता है,
Why not वाली बात है यार. हाँ, why not भाई? Why not? दिल है तो फेंका जा सकता है. Exactly. But आप पीक के अलावा क्या फेंक? जो भी दिल करे. जो दिल करे. अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा. हमजा क्या करते हैं आप? वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी नाइस यार. बड़ी किस चीज के? मोंटेसरी के? मतलब नॉट मोंटेसरी. आई हैव डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री. माशाल्लाह. ठीक है. एंड आई काफी यंग एज में वाइस प्रिंसिपल बन गए सर आप. अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी नाइस. सवाल पूछेंगे. माई क्वेश्चन इज फॉर मोहम्मद सराफान. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इंटरव्यू में आपने ये बात एक्सेप्ट की थी कि आपने बहुत ज्यादा दिल तोड़े हैं. वाह. तो पहली बात तो इसमें सदाकत कितनी है, और सेकेंडली क्या ये आप किसी चीज का बदला ले रहे हैं कि आपका दिल टूटा इस वजह से आप लोगों के दिल तोड़ रहे हैं? वाह. नहीं नहीं, वो बात उन्होंने मुझसे पूछी थी कि आप जाहिर है आप तो बहुत दिल तोड़ते होंगे. मैंने कहा या जाहिर है अब हर एक को तो आप यस नहीं कर सकते. तो उन्होंने उसकी टैग लाइन ये बना दी थी, आई रिग्रेट ब्रेकिंग हार्ट्स. ओके. तो अब आई मीन टूट जाते हैं, क्या किया जा सकता है, लेकिन इंटेंशनली मैं कभी ऐसा नहीं करता. खूबसूरती इतनी खूबसूरती बस. लेकिन ये है कि आप ये देखें कि मुल्क के तालीम के मेमार वाइस प्रिंसिपल मुझसे क्या सवाल. मुल्क के मुस्तकबिल के जानशीन सवाल. दिल तो नहीं तोड़े कभी. वाह सर वाह, बहुत अच्छे. अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? ज़ैब अदनान. ज़ैब क्या करते हैं? ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ. ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कुछ चीज बेचते हैं या सिर्फ बिजनेस करते हैं? जस्ट स्कैम करता हूँ. बता रहा हूँ. ऐसे नहीं बताओ बेटा, सच बताइए. स्कैम तो नहीं करते होंगे? नहीं नहीं, ऑनलाइन बिजनेस में स्कैम नहीं होता है. अच्छा. ऑनलाइन में तो होता है. ऑनलाइन में होता है. क्या क्या बिजनेस लगा रखा है आपने? मार्केटिंग करता हूँ. आहिस्ता आहिस्ता मशकूक हो रहा है. मार्केटिंग करता हूँ. लड़की को नहीं मार रही ये बता दे. ठीक है, कोई बात नहीं. अब जो करते हो भाई तुम अपना खुद भुगतो. ये सवाल सर, मेरा सवाल सर अफान से है कि मैंने इनके काफ़ी इंटरव्यूज़ में देखा है कि ये काफ़ी गुस्से वाले हैं. अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अपना थोड़ा गुस्सा ताबिश आसमी साहब को दिखाएं लाइव हमें. ताबिश तो मोहब्बत के काबिल है ना यार, इनको गुस्सा तो नहीं दिखा. पर सर हमारी मोहब्बत के लिए आप थोड़ा सा दिखा दें. भाई जान 400 में मर दो आप जिसने ये बात की है कि ताबिश को सिर्फ मोहब्बत दी. कभी किसी खातून के मुंह से मैंने ये सवाल जवाब नहीं सुना. इसकी क्या वजह हो सकती है? पता नहीं क्या क्या है मेरे अंदर. मेरे ख्याल में वो पब्लिकली थोड़ा शर्माती हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते. हाँ ये हो सकता है. लड़के शर्माते नहीं है ना, वो बता देते हैं. तो प्राइवेट में बता दें, मुझे काम में बता दें. ताबिश इधर आओ, हमारी बात सुनो. हम तुम पे मरती हैं. मजाक. चलो भाई, किसके पास है अगला सवाल? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क्या नाम है भाई? उस्मान अली. वेरी नाइस. भाई जान को सवाल करेंगे? जी. मेरा सर अफान से सवाल है कि सर मैं भी आपकी तरह घर में सबसे छोटा हूँ, तो क्या आपको घर में मेरी तरह नौकरी समझा जाता है? छोटे जो काम है, पानी लाओ ये लाओ, छोटे बच्चे का काम होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अदाकार बनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं. पहले शायद थोड़ा बहुत समझा जाता था बचपन में, जब मेरी उम्र के छोटे थे तब. आपकी उम्र का छोटा था? नौजायदा है. नौजायदा. नौजायदा नहीं है. सच ऐसा कुछ भी नहीं था. ऐसा नहीं करते थे कि बड़ी बड़े बहन भाई आपको इतने पानी लाओ? नहीं नहीं, लाओ, नहीं वो भी मैं उन्हें बुली करता हूँ अभी तक. अच्छा, वो नहीं करते. शरीफ लोग हैं. वो शरीफ लोग हैं. ठीक है. मैं अपनी फैमिली का वाहिद पॉइजन हूँ, बाकी सब बहुत शरीफ हैं. अच्छा, मैं अपने घर में सबसे जो है शरारती नहीं हूँ, बाकी सब बहुत ज़्यादा प्रैंकस्टर और ये हुए हैं. तो अगर वो आ जाए शो करने भाई जान, मैं उनको इसलिए तो नहीं लाता. सीट चली जाएगी. थैंक यू भाई. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है दोस्त? अहमद बिन तारिक. अहमद बिन तारिक क्या करते हैं आप? सर मैं 9th क्लास का स्टूडेंट, उसके अलावा मैं एज एक्टिंग भी करता हूँ. 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा एक्टिंग का. फवाद खान के साथ मैंने एक मूवी की थी जिसमें. अच्छा, आपने की है? ड्रामा की है फवाद खान के साथ. मूवी तो नहीं की ना आपने? कौन सी मूवी की आपने? सर अभी रिलीज नहीं हुई है, अभी आ रही है, लेकिन उसमें छोटा सा रोल किया था. उनके फ्रेंड का भाई था मैं मूवी में. वेरी नाइस यार. बेटा कोई सवाल पूछेंगे? अफान भाई से मेरा सवाल है. अफान भाई आपने हर जगह टांग पसाई हुई है अपनी एक्टिंग में, मॉडलिंग में, पोइट्री में, तो लोगों को तो आपका सारा काम पसंद आता है, लेकिन आपको क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है काम? मुझे यही लगता है मैंने टांगे ही फसाई हुई है. If money was not a concern, तो आप इनमें चारों पांचों चीजों में क्या कर रहे होते? If money was not the concern, तो nothing.
बैठे रहते। अब पोइट्री तो मैं इस तरह कोई रेगुलर शायर नहीं हूँ, वो कभी जब बहुत बोझ बढ़ जाता है ना तो उसको अनवाइंड करने के लिए, वेंट आउट के लिए, फ्लाइट लेट वगैरह हो जाए इस तरह वेट करने में है, या जहाज में बहुत लंबी फ्लाइट है तो उसमें बैठे बैठे। वैसे आपको किस चीज में मजा आता है ज्यादा करने में इनमें से? जी भाई इनको बता दें ताकि तसल्ली में आ जाए, मजा किस चीज में आता है एक्टिंग? आपको किस चीज में मजा आता है? मुझे जो चीज मिल जाए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरवा सलमान। फरवा सलमान, फरवा सलमान आप क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड बच्चे संभालती हूँ। चार्टर्ड बच्चे? चार्टर्ड बच्चे कौन? चार चार बच्चे? चार चार बच्चे। हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है माशाल्लाह। चार चार बच्चे। कोई सवाल पूछिए। यस। हम दोनों बच्चे। अफान सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन मेरे लिए कोई गजल ही सुना दे। क्या मतलब गा के? यस। यार आप तो इतना कोई पोइट्री कर दें। हाँ? कोई पोइट्री आप इनके लिए एक शेर सुना दें, कुछ भी, खुद ही को कर बुलंद इतना। खुद ही को कर बुलंद इतना। बहुत बुलंद। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रोमाना। रोमाना क्या करती हो? ICS कर रही है। मैंने सुना है कोई टैलेंट रखती हैं आप अपने अंदर। सिंगिंग। सिंगिंग मजबूरी है ये? नहीं नहीं, मैंने खुशी से बताओ बेटा। क्या नाम है, सारी इसकी प्रैक्टिस की है और सिक्स क्लास से क्लासेस ली हैं। PHA में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी और शहबाज शरीफ हाउस में भी मैंने सिंगिंग की थी। अरे वाह, उनके घर में। जाहिर ही बात है मुल्क इतना अच्छा चल रहा है, कामयाबी तरक्कियां हम चल रहे हैं, जाहिर ही बात है अब घर में सिंगिंग का कंपटीशन होना चाहिए। पर वाह, हमें भी कुछ सुनाओ। दिल में अंधेर है, शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है, छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां। बहुत प्यारे, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत तुमने गाना गाया मैं। रोमाना वेरी वेल डन, बहुत अच्छा गाती हो बेटा तुम, बहुत प्यारा गाती हो। अब हमारे पास एक और टैलेंटेड शख्स भी बैठे हैं, वो भी यही करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पार्टनर क्या नाम रखा हुआ है आपने? शानी ढिल्लो। शानी ढिल्लो। शानी आप भी गाना गाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल। प्रोफेशनल गाते हैं? यस सर। बताओ। बापू दी जमीन ते प्राउड कोई ना, दिल साडे छोटे आ फराउड कोई ना, ओ यार मेरे तोपां दा समान बल्लीए, लोड पैदा चलदे आ ठा बल्लीए, ओ मामे आ दी लाड सानू रीड कर दी, ऐसे गल्लो लगे आ रिकॉर्ड बल्लीए, ओए लोका दे ता गोरीए नी नाम चलदे, साडे आ यारा दी सरकार चलदी, सरकार चलदी, सरकार चलदी। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत आला भाई। चलो मेरी जान, बहुत अच्छा गाया यार आप, थैंक यू। रोमाना तुम्हें भी दूंगा मैं, तुम्हें भी बहुत प्यारा गाना। रोमाना ने भी बहुत अच्छा गाया। हाजिर हजरात, कहाँ हैं आप? ब्रेक का वक्त हुआ है, लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। भाईजन आपका कुत्ता कितना कुत्ता है? मेरा कुत्ता बहुत एंग्री कुत्ता है। कम अज कम कुत्ता तो है। अरे वाह। नहीं मैं दिखाऊंगा, सील है भाई जान, आपका कुत्ता ऐसा लग रहा है बकरियों में रहे। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद अफान भाई। अफान भाई वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें बंद की जाएं। वो तो वैसे ही बंद है। नहीं बनाया जाएगा नजर बंद, ये आप खुद ही पहनेंगे। आपके पहनने के बाद यहाँ एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी चीज जगह इंसान या जानवर की होगी, आपने सवाल पूछने, मैं हिंट्स दूंगा और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? ठीक है। पहली तस्वीर ये रही। ओए
इंसान जानवर चीज भाई जान जगह नहीं बल्कि चीज है नहीं ये तो फिर गलत बात हो गई चीज है हाँ। और क्या खाने के लिए इस्तेमाल होती है या किसी भाई जान निकालने के लिए इसमें से कभी मैंने हाँ खाने खाते हुए तो नहीं देखा अच्छा और लाइक नहीं नहीं वो नहीं है ये पर्सनैलिटी नहीं है और जानदार नहीं बिल्कुल जानदार नहीं है जिसका बस चले उठा के ले जाए अच्छा मैन मेड गोल होती है और कुछ और पर्पस बताए ना इसका कोई पर्पस है ढकने के काम आती है ढकने के काम यार गंदी चीजें ढकने के काम ये पॉट कवर तो नहीं है पॉट कवर चाहिए नहीं पॉट कवर नहीं वो तो अक्सर साफ भी होता है फ्लश कर दिया साफ I can't get there. आपको मैं बताता हूँ आपको यहाँ जाना भी नहीं है ये चीज़ का जो पर्पस है मैंने आपको बताया कि गंदी चीज़ें ढकने के काम आते हैं अक्सर चोरी हो जाती हैं ये कराची में तो ये होती नहीं है गटर के ढक्कन Spoken like a true Pakistani. जैसी जिक्र आया कराची के प्रॉब्लम्स का फौरन पहुंच गया exactly. अगला दिखाओ बेटा yeah. भाई वाह 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 ये एक लफ्ज है अच्छा ये एक लफ्ज है और ये लफ्ज इंग्लिश का है या उर्दू का इंग्लिश का है फीलिंग उर्दू में भी है अच्छा इसकी फीलिंग उर्दू में आती है फीलिंग तो हर जगह आती है इंग्लिश में सिंधी में सब में आती है Is it a feeling or a thing or a place or It's a status ये जो इस बंद जो इस फीलिंग से गुजर रहा है बंदा और बंदी वो फीलिंग वो अपनी लड़के कह रहे एक्सप्लेन नहीं कर सकते अच्छा हाँ मैं नहीं हूँ अच्छा आप नहीं मैं नहीं पेनफुल या हैप्पी फीलिंग ये एक सेकंड भाई जो नहीं है उनके लिए ये हैप्पी है जो हैं उनके लिए पेनफुल है मैरिज नहीं है मैरिज नहीं है मुझे पता था आप यहीं पहुंचोगे वो नहीं है ये वो होती है तो ये नहीं होती अच्छा ओ मनी मनी नहीं अरे मनी नहीं ये एक नहीं मनी नहीं है ये एक फीलिंग है ये होती है तो वो नहीं होती मैरिज पीस अरे आप तो भाई मैरिज तबाह करके छोड़ोगे यार जब ये चीज होती है तो आपकी मैरिज नहीं हुई हुई होती जब मैरिज हो जाती है तो आप ये नहीं होते सिंगल इज द राइट आंसर अफान भाई मैंने सुना है कि आप कहते हैं आपका कहना यह है कि जो दोस्तियां सेट पर होती हैं वो सेट तक ही रहती हैं फिर आप ज्यादा उनमें घुलते मिलते नहीं है नहीं मैं नहीं मेरे ख्याल में हर एक का ये ऐसा ही अनलेस कोई एक आधा बंदा या बंदी बहुत अच्छा हो हाँ जिनसे लॉन्ग टर्म दोस्ती बन जाए हो जाती है तो अच्छा दोस्तें तो हैं आपके लाइफ में ना बिल्कुल तो उन दोस्तों में क्या मतलब निशानियां क्या होती हैं कि यार ये पक्के दोस्त हैं ये पता ऐसी टाइम पास दोस्त हैं आप कितनी निशानियां बतानी है आप एक दो बता दूं अच्छा एक तो ये है कि वो आपके मूड स्विंग्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेते बियॉन्ड दैट क्या बदतमीजी भी कर लें रूड भी हो जाएं फोन भी ना अटेंड करें वो समझ जाएंगे बट आप जब भी कॉल करेंगे दे विल बी देयर फॉर यू एक ये क्वालिटी दूसरी क्वालिटी ये है कि दे गुड लिसनर्स वो आपको सुनते हैं आपकी परेशानी में आप बकवास ही क्यों ना करें वो आपको जज किए बगैर और जज नहीं करते आप दोस्त जज नहीं करते मैं बता रहा है अपना कोई यार ये आर्टिस्ट होने का एक कॉस्ट भी है लेकिन एक आर्टिस्ट को कैसे हो सकता है फियर ऑफ जजमेंट वो तो खुला जज होने के लिए बैठा हुआ है मार्केट में मैं यही तो कह रहा हूँ कर्स है ये एक आर्टिस्ट एक कर्स है ये आयनी है सिचुएशन की एक बंदा जो तमीज से अपना काम करना चाह रहा है ठीक है खैर मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ थोड़ा आपके साथ हल्का हाथ रखा है लोगों ने हल्का थैंक यू सो मच आप करते भी नहीं इस तरह की आज खत्म कर दूंगा सब तबाह कर दूंगा अच्छा कभी फेमस होने का फायदा उठाया आपने खुद लाइक इंटेंशनली नहीं उठाया लेकिन वो वैसे ही फायदे इतने मिल जाते हैं कि बंदा फिर कहता है चलो यार माइट एज वेल तो ये अरे अक्सर किसी रेस्टोरेंट में जाते ना तो वो कहते अरे आई आई आपको अलग बिठाएंगे ऐसा सुनसान इलाके में बिठा लेंगे रेस्टोरेंट आए हुए और यार आपसे बिल नहीं लेना है मैं कहता नहीं यार अगर मैं भी कोई काम है एक्टिंग फ्री में नहीं करता तो ये आपका काम है आप बिल क्यों नहीं ले रहे हैं तो मैं जबरदस्ती पे करता हूँ लेकिन कुछ लोग नहीं लेते एक वक्त आ चुका है आपके साथ एक और गेम खेलेंगे गेम का नाम है बनावटी सुना है आप NCA गए आपको थोड़ा बहुत स्केचिंग तो आती होगी बेसिक है ठीक है तो क्योंकि जिन्होंने इस पे बनाई भी ना उनको नहीं आती अच्छा तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही आर्टिस्ट हैं तो ये आपका मार्कर ये आपका ये तो आप बड़ी महंगी बेच सकते हैं हमारी वॉल ऑफ शेम भी है वो हमने यहाँ से हटाई हुई आजकल
वो होगा ये कि यहाँ पर एक स्केच आएगा अफान भाई, ये जैसे ही आएगा ये काउंट डाउन शुरू करेंगे 5, 4, 3, 2, 1, वो गायब हो जाएगा। लेकिन 5 सेकंड की जेनरोसिटी क्यों, आप इससे कम कर लेते भाई? 5 सेकंड तो मिनिमम लगता ही है हम लोगों को, तो 5 सेकंड में ये होगा और ये 5, 4, 3, 2, 1 करेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। ठीक है, फिर 30 सेकंड होंगे, हमें रिक्रिएट करना है। ठीक है, 30 सेकंड में रिक्रिएट। चलो भाई, तस्वीर पहली। भाईजन आपका कुत्ता कितना कुत्ता है? मेरा कुत्ता बहुत एंग्री कुत्ता है। कम से कम कुत्ता तो है। अरे वाह, नहीं मैं दिखाऊंगा, सील है भाईजान आपका कुत्ता ऐसा लग रहा है बकरियों में रहा है, बकरा लग रहा है, बकरा लग रहा है। मैंने इसलिए ये नहीं बनाया। मेरे कुत्ते के साथ जो कुत्ते वाली हुई है मैं अभी कान बना ही रहा था, मैंने आज नोट किया कुत्ते के अगर कान न हो तो वो सील लगती है। ये कैस्पर भी लग रहा है, कैस्पर लग रहा है मुझे। अगली तस्वीर दिखाओ। अब बुरा बनाता हूं मैं बहुत बुरा हूं। आंख भी खातून की लग रही है, उसमें भी खातून है। आप अपनी आंख दिखाएं यार। ओ भाई ये यार वाकई में उसमें तो पूरी बकायदा लड़की बिठाई है आपने यार। मेरी आंख, मेरी जिसकी आंख है ना उसकी नजर गंदी है। गंदी नजर रखी है फिर भी सही लग रही है। कम से कम आंख तो आंख लग रही है। आंख तो है, आंख शुक्र है भाई। जिनको लगता है कि अफान बहरहाल मुझसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तालियां बजाइए। काश जिंदगी में कुछ अचीव करना इतना आसान होता। अफान भाई पता है ये राउंड मैंने स्टार्ट किया था आर्टिस्ट का मजाक बनाने के लिए, मगर जब से हुआ है मैं ही मजाक बना हुआ हूँ। बहुत बुरा हूँ मैं इसमें। अपने गड़े में आप खुद गिर गए। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होती, कुछ भी सीधा नहीं बना, कुछ भी नहीं बना पाता मैं। वो आपका नहीं कैलिबर नहीं है। हाँ दिन आजाद, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक ले, वापस जाए ना, कहीं नहीं जाएगा। बजाओ तालियां बजाओ। सर आप सब तीन सेकंड है सर टोटल, खड़े हो गए अभी तरह से। मैं बहुत मिस हाँ खड़ी जाती, मैं लगाऊंगा। 1, 2, 3 स्टार्ट। टूट गया। राजनाथ वेलकम बैक टू हसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है अफान वहीद और हम दोनों के साथ मौजूद है ये एक चीज। अफान होगा ये सेगमेंट का नाम है पॉप अ डेयर। पॉप अ डेयर, पॉप अ डेयर में होगा ये कि आप ये एक डार्ट जो है वो किसी एक कार्ड पे मारेंगे, उस कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ है आपको करना है, मुझे बाखुदा नहीं पता क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ओके। मारे ना भाई जान, कार्ड पे लिखा है ओए, ओए। बहुत कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। ये डायलॉग 5 एक्सप्रेशंस में बोल के दिखाइए। डायलॉग बता रहा हूं, जब मेरी बनियान पहन सकते थे तो धो के वापस भी दे सकते थे। आपने ये खुशी के एक्सप्रेशन में बताना है। जब मेरी बनियान पहन सकते थे तो धो के वापस भी दे सकते थे। वेरी नाइस। जरा गम में, जब मेरी बनियान पहन सकते थे धो के वापस भी तो दे सकते थे ना। और
ये नेचुरल आएगा गुस्से में. जब मेरी बनियान पहन सकते थे तो धोखे वापस भी कर सकते थे. ये इंपॉर्टेंट है. रोमांटिक शक्ति होगा. आप करो बनियान क्यों लोगे आप. जब मेरी बनियान पहन सकते थे धोखे वापस भी तो कर सकते. और आखिरी है यही एक्सप्रेशन डर में. जब मेरी बनियान पहन सकते थे तो धोखे वापस भी तो कर सकते. वाह 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 वाह. एक और करना पड़ेगा. एक और. ये ठीक अल्लाह करे बेहतर निकला है. भजन ऐसा है कि हम तीनों को करना पड़ेगा. तीन मतलब हम दोनों को एक ऑडियंस मेंबर के साथ एक सांस में सबसे लंबा कहका लगाना है. ले करो ऑडियंस मेंबर में से. मेरे ख्याल से सर आप आ जाएं. आप हम दोनों तीनों बड़ी उम्र के हो जाएंगे. पक्की उम्र के. हाँ आ जाएंगे. हम बेवकूफ़ नहीं लगेंगे आपकी वजह से. आ जाए सर के लिए तालियां होनी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है सर. मोहम्मद अमजद. सर माइक थोड़ा करीब. मोहम्मद अमजद जी. मोहम्मद अमजद भाई. अमजद भाई आपने मैंने और अफान ने एक सांस में कह कहा लगाना है. ठीक है. जो ज्यादा देर तक लगा देगा वो जीत जाएगा. ठीक कह. लेकिन माइक आपका इधर ही रहेगा और इधर से हिलेगा नहीं. ठीक है. काउंटर यहाँ से स्टार्ट होगा. सबसे पहले आप लगाएंगे. सर अल्लाह की कसम ऊपर रखना है ना मजाक नहीं. ध्यान नहीं रखना सर. मैं बता रहा हूँ. आपको बार बार देख रहा हूँ सर. वो नीचे आ जाते हैं. इधर दे, इधर दे. आपने माइक वाकई यहाँ रखना है. ठीक है. आवाज यहाँ आवाज नहीं आएगी. ठीक है. आप प्लीज. मैं वाकई में ये मजाक नहीं कर. ठीक उनकी बात मान गया. बचाइए. अच्छा भाई काउंटर आएगा. आप कह कहा लगाएं. जैसी आपकी सांस टूटेगी काउंटर बंद हो जाएगा. 1 2 3 उधर देखे. स्टार्ट. टूट गई सांस. 27-3 सेकंड तक चले सर आप. मैक्सिमम ही चलना चाहिए. एक और चांस आपको देता हूँ. बेटा 30 से स्टार्ट करो. बेटा स्टार्ट. फिर से सर कह कहा लगा. ठीक है लगा. लगवाना नहीं है. 1 2 3 स्टार्ट. सर आप सब सब 3 सेकंड है सर टोटल. खड़े हो गए. अभी तरह से मैं बहुत मिसाल से खड़ जाती. मैं लगाऊंगा. 1 2 3 स्टार्ट. टूट गए. भाई जान आपसे ज्यादा दूर नहीं है. 3-4 सेकंड के लोग हो आपके. मेरी बात है. बस यार इतना प्रेशर आ गया. अब करना ही पड़ेगा. परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है. 1 2 3 स्टार्ट. अगर ऐसा क्या कहा था तो मैं तो भाई सांस ही तोड़ी. मैंने सांस ही तोड़ी. आप कुछ करना चाहते हैं ना. आप हल्का कहका रह गया आपके अंदर. 3 2 1 स्टार्ट. थ्री टू वन स्टार्ट. ओके टाइमिंग अच्छी हो गई आपकी. खैर ताली होनी चाहिए सर के लिए. बहुत चाहिए. अफान वेरी वेल डन. आप माशाल्लाह. सांस सांस का ये कहका वाकई लगाना मुश्किल का. विलन विलन लोग कैसे करते होंगे. हंसते रहते थे. और वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए. वापस आइए. अस्सलाम वालेकुम. कह लीजिएगा. छह लड़के खड़े हुए. अकेली आपकी. भारी शेर सुनाए. जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो. वाह. ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो. हकीकत ने आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर. ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में रहने दो. आपको भी शेर और शायरी से ताल्लुक है. शेर और शायरी नहीं सुन रहा मैं आपसे. आपने कहा बड़ी प्राइवेट चीज है तो मैं आपसे नहीं सुनूंगा. मगर ये लोग हैं इनको भी शेर और शायरी का शौक है. इनके शेर आप एक एक करके सुनेंगे और आप जिसको पसंद करेंगे सबसे बेहतरीन शेर को हम उसको गिफ्ट देंगे. सबसे पहले दावत कलाम दूंगा. खूबसूरत मुँह पे सजाए हुए जनाब आइए.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हमजा दलेर। अली भाई दलेर जी। ये तखल्लुस है आपका? सर वालिद का नाम। वालिद का नाम है। शेर, मेरे दस्ते तमन्ना पर तुम्हारे हाथ का होना, वाह मेरे बड़े हासिद बनाएगा, बहुत से दिल जलाएगा। वाह वाह वाह। आ जाइए आ जाइए, आ जाओ भाई जनाब। वाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अजीम। अजीम वहां देख के शेर सुनाओ भाई। तबीश भाई आपके लिए शेर है। अता हो यार, जब भी हजीम पे आता है तो एक सितारा जमीन पे आता है। वाह ताबिश भाई, आप भी आए ना वक्ते शाम कभी, जैसे सूरज जमीन पे आता है। अच्छा ये 401वां मर्द हो गया। हाँ 401 मर्द हो गया। ताबिश भाई आप आए कभी शाम में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? नवीद हुसैन। नवीद भाई शेर हो जाए। अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्मे मोहब्बत में। वाह वाह। अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्मे मोहब्बत में, निगाहें जब मिलती थी मुस्कुराया तुम भी करते थे। अरे आओ भैया आओ भैया, आ जाओ भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जुनेद। जुनेद साहब शेर सुनाइए। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? जब उसको देख के भी जी नहीं भरता तो उसके बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा शेर है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? आइए भैया, क्या नाम है भाई जान? अहमद बिन तारिक। अहमद बिन तारिक, आपने फवाद खान के साथ एक्टिंग की जी। शेर सुनाइए। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, बिल्कुल वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, रोज रोज तुम्हें मिल तो नहीं सकता लेकिन रोज रोज तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। मुनासिब मुनासिब। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वाह हो गया ना। वालेकुम सलाम। मैंने आपके लिए सैड शेर लिखा है। सैड शेर लिखा? पोएट्री समझ। मेरे लिए सैड पोएट्री? हाँ जी। अब सुनाओ। आजकल की मोहब्बत परसों चौथ हो गई है, चौथ हो गई है। जब से हमारे ताबिश भाई को लड़कियों ने भाई बोल दिया, लड़कियां फोत हो गई हैं। इधर आओ तुम यार, तुम हो बड़े प्यारे आदमी, गले लगो मुझसे। चलो जाओ, चलो शाबाश भाई, छोड़ दो भारी है। आए खातून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हिरा शाहिद। हिरा आप क्या करती हैं? सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये तीन छह लड़के खड़े हुए, अकेली आप थी, भारी शेर सुनाए। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, वाह ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में रहने दो। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। भाई जान अफान भाई, आपको इन 7 लोगों में से किसका शेर ज़्यादा मुनासिब लगा, अदायगी वदायगी सब मिला के टोटल? ये जो ब्लैक हिल आर्मी, ब्लैक हिल आर्मी सबसे बेहतर लगे आपको? वेरी नाइस। वाह वाह वाह, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए बेटा, गिफ्ट लेकर आइए इनके लिए। भाईजान आपका गिफ्ट ये रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन एक शेर और अच्छा सा सुना दो। कौन खरीदेगा तेरे गाल से तेरी आंख का पानी? वाह, कौन खरीदेगा तेरे गाल से तेरी आंख का पानी? जो दर्द का ताजर था मोहब्बत छोड़ दी है उसने। वाह वाह। भाई जान क्या मैं, बात मैं आपके गाल का पानी खरीदूंगा। फिलहाल आप मेरा गिफ्ट लीजिए। बहुत अच्छा। अफान भाई जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई सुपर पावर मिल जाए, ऑप्शंस देता हूं कि लेट्स से आपकी सारी पेमेंट्स टाइम पे हों, दूसरी कि आप अपनी मर्जी का कोई को स्टार खुद से सेलेक्ट कर सके, तीसरा ये कि अगर 10 बजे का कॉल टाइम है तो आपकी पावर है कि आप 10 बजे स्टार्ट भी करवा लें, तो उसमें से कौन सी सुपर पावर आप लेंगे? तीसरी वाली। 10 बजे का कॉल टाइम, हम सबकी यही ख्वाहिश है, मगर हम सभी लेट आते हैं। ऐसे अफान भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असना मनाए। आप आए, बहुत ही मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आया भाई। अब ऐसे बहुत ही नजर जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात। आज ही कमाल की बात फिर एक बार एक तस्वीर से है, तस्वीर दिखाइए भाई। ये सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, इंडिया के प्रोबेबली सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन और शायद दुनिया क्रिकेट के भी एक अजीम खिलाड़ी। ये SSG ग्राउंड यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अपनी डबल सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये कोई आम डबल सेंचुरी नहीं थी खवातीन हजरात। सचिन वॉज नोन फॉर हिज कवर ड्राइव्स।
मगर ये मुसलसल ऑस्ट्रेलिया में कवर ड्राइव पे आउट हो रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियंस ने प्लान बनाया कि आप सचिन को सिर्फ कवर ड्राइव खिलवाएंगे। मगर सचिन तेंदुलकर बेशक एक अजीम प्लेयर थे, उन्होंने पूरी इनिंग्स में एक कवर ड्राइव भी नहीं खेली और उसके बावजूद 241 रन्स बनाए। इससे सबक ये हासिल होता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करना है ये तो इम्पॉर्टेंट है, मगर क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। अफान भाई, रात 12 बजे क्या करते हैं? हो जाते हैं आप? वेरी नाइस। खवातीन हजरात, आप क्या करेंगे जाग के? सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।